हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग 2020 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है www.ccc.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे, इस वेबसाइट पर दो तीन नोटिस आए हैं नए नए, हमें वो देखने हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स पर आना है। न्यूज़ एंड इवेंट्स में आने के बाद में आपको आर्चिव्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आर्चिव्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद में जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं अब तक, वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन नए नोटिस आए हैं। एक तो आया है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट, फिर एक आया है एडेंडम 2AACC नोटिस डेट 1/1/2021। जो 1 जनवरी को नोटिस आया था उसमें कुछ करेक्शन हुआ है, और एक आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2020। तो सबसे पहले हम नीचे से देखना चालू करते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट। तो जैसे ही हम इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ये नोटिस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये नोटिस 15 जनवरी 2021 को आया था। इसमें लिखा गया है कि अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ASU आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड एच होम्योपैथी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि ऑल नीट 2020-20 अंडर ग्रेजुएटेड BMS, BSMS, BUMS, BHMS एस्पिरेंट कैंडिडेट्स आर हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट अगेन दैट द कैंडिडेट शुड चूज देयर चॉइसिस केयरफुली बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। इट इज ऑब्जर्व दैट मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर DU इंटरनल कोटा सीट्स और BUMS कोर्स आर फिलिंग देयर चॉइस, इट इज़ रिजल्टिंग इन कैंसिलेशन ऑफ सीट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। यहाँ पर ये बताया कि गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने DU कोटा सिलेक्ट कर लिया था या BUMS सिलेक्ट कर लिया था। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि जो BUMS कोर्स है वो हर कोई नहीं ले सकता है। जिन स्टूडेंट्स के पास उर्दू है वही स्टूडेंट्स BUMS कोर्स ले सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिस आया है। उन्होंने कहा है कि आपको सीट तो अलॉट हो जाएगी, लेकिन जिस टाइम आप रिपोर्टिंग करने जाओगे वो सीट कैंसिल हो जाएगी। फिर इन व्यू ऑफ अबोव इट इज़ अगेंस्ट एडवाइस दैट कैंडिडेट्स शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर फिलिंग अप देयर चॉइसेस केयरफुली। AACC विल नॉट एंटाइड एनी ग्रीवेंस इफ अ कैंडिडेट हैव चूजन अ चॉइस फॉर ही और शी नॉट एलिजिबल एंड गेन अलोवेंस a seat based on the choice filling by the candidate. In such case, seat will be cancelled due to ineligibility at the time of reporting. यहाँ पर आगे यही कहा गया है कि choice filling के time, जब आप choice filling कर रहे हो उस time तो आपको वो seat मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप reporting करने जाओगे, जब आपके documents verify होंगे, तब वो seat वापस से cancel हो जाएगी, क्योंकि आप उस seat के लिए ineligible हो जब आप reporting करने जाओगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला notice। उसके बाद में बात करते हैं हम second notice के बारे में। तो जैसे ही हम पीछे आएंगे, हमें दूसरे नोटिस पर जाना है, एडेंडम 2AACC नोटिस डेट ऑन 1 जनवरी 2021। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये नोटिस भी आपके सामने खुलकर आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ये नोटिस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये नोटिस भी 15 जनवरी को ही आया है। यहाँ पर जो 1 तारीख को नोटिस आया था 1 जनवरी को, उसमें कुछ करेक्शन हुआ है, उसके बारे में है ये। तो यहाँ पर जो 1 तारीख का नोटिस था, सबसे पहले हमें वो देखना है। यहाँ पर अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ASU अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। यहाँ पर जो थर्ड मॉपअप राउंड होने वाला था, उसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका था। तो यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है इन चीज़ों के अंदर। यहाँ पर वही चीज़ है कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं गए थे, तो वो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल है। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है इनएलिजिबल का, वो है जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया था वो इनएलिजिबल है। और थर्ड पॉइंट है जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेड मांगा था राउंड 1 में, पर उन्हें राउंड 2 में अपग्रेडेड नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है उनमें, इसमें ही करेक्शन हुआ है। तो क्या करेक्शन हुआ है इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट था इनएलिजिबिलिटी का, इसके अंदर हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ASU एंड एच अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या
फेर बदल किया है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन द कंटिन्यूशन टू डबल ए ट्रिपल सी नोटिस डेट ऑन 1 जनवरी 2021 इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट द ऑल नीट 2020-20 अंडर ग्रेजुएटेड BMS, BSMS, BUMS, BHMS एस्पिरेंट कैंडिडेट दोज कैंडिडेट हु हैव चूजन अपग्रेडेशन इन राउंड टू एंड देयर राउंड वन अलॉटेड सीट नॉट अपग्रेडेड। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड वन में अपग्रेडेड मांगा था लेकिन उन्हें राउंड सेकेंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है राउंड थर्ड के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेकेंड नोटिस के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब अपन थर्ड नोटिस के ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही अब अपन थर्ड नोटिस पर देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2020-20। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट 2020-20 का वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर यही लिखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी एलिजिबिलिटी को लेकर आयुष मिनिस्ट्री को, तो यहाँ पर जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे चेंज कर दिया है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो है 40 परसेंटाइल। उसके बाद में SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 30 परसेंटाइल, और जो PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 35 परसेंटाइल। यहाँ पर नीचे की साइड जो थर्ड पॉइंट है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि ये क्लैरिफाई किया जाता है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के अंदर रहेगा। दोस्तों तो जो 40 परसेंटाइल के हिसाब से दोस्तों जो नंबर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 113 मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स, और 30 परसेंटाइल के हिसाब से जो नंबर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 86 मार्क्स फॉर OBC, ST, SC स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये थे तीन नोटिस जो EEEC की वेबसाइट पर आए थे। मैंने इन तीनों नोटिस का अपडेट आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बींग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।